माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। हमारे मोदी जी ने जब प्रधानमंत्री का ओहदा संभाला है, तब से ही पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। मोदी जी की लाल आंखों को देखकर पूरी दुनिया थर 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 कांप रही है। हमारे मोदी जी की एक दहाड़ से चीन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमारे मोदी जी के सामने दुनिया के बड़े बड़े नेताओं को अपनी जबान हिलाने में दो बार सोचना पड़ता है। उनके सामने कोई भी नेता खड़ा होने की हिम्मत नहीं करता। हमारे मोदी जी की रखवाली में भले ही चीन हमारी जमीनों में घुसपैठ करते हों, लेकिन चीन हमारे मोदी जी से बहुत डरता है। भले ही हमारे मोदी जी चीन का नाम लेने से परहेज करते हों, लेकिन हमारे मोदी जी के सामने चीन की आवाज़ हलक में अटक जाती है। लेकिन इतने बड़े परम प्रतापी नेता के रहते हुए बीजेपी दक्षिण का किला फतह करने में नाकाम नजर आती है। उत्तर भारत में मोदी मोदी के नारे लगाए जाते हैं, लेकिन दक्षिण में गो बैक के नारे सुनकर भाजपा कांपने लगती है। मतलब जिससे पूरी दुनिया कांपती है, जिनको पूरी दुनिया में सम्मान की निगाह से देखा जाता है, ऐसे प्रतापी नेता के रहते हुए दक्षिण भारत में भाजपा को बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है। दक्षिण भारत के नेता ही कह रहे हैं, भले ही बीजेपी ने पूरे देश में झंडे गाड़े हों, लेकिन दक्षिण में एक सीट निकालने की औकात भी भाजपा में नहीं है। जिसको सुनने के बाद संघ और भाजपा में हड़कंप मच गया, क्योंकि दक्षिण के एक बड़े नेता ने बीजेपी को कायदे से समझा दिया है कि आने वाले चुनाव में उसकी हालत बहुत बुरी होने वाली है और आने वाले दौर में बीजेपी का सफाया भी हो सकता है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से 2014 में अपनी सरकार बनाई, कांग्रेस की सत्ता उखाड़ कर फेंकी, उसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो नरेंद्र मोदी ही भारत के युग पुरुष कहे जाएंगे। बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के करिश्माई चेहरे के दम पर कई राज्यों में अपनी सरकार बनाई, लेकिन उत्तर भारत में बीजेपी की जीत का रथ दक्षिण में जाते जाते थम जाता है। बीजेपी का विजय पताका दक्षिण में पहुंचने से पहले ही चीथड़े में तब्दील हो जाता है। भाजपा का लड़ाकू जहाज दक्षिण में लैंड करने के बाद ही क्रैश हो जाता है। पर सवाल है कि आखिर उत्तर भारत में मोदी का विजय रथ खूब दौड़ता है, लेकिन दक्षिण की हवाओं में धुआं धुआं क्यों हो जाता है? हमारे कहने का मतलब है कि जब संघ के आशीर्वाद से हिंदुत्व के एजेंडे पर चलकर बीजेपी सत्ता में झंडे गाड़ रही है, तब दक्षिण में पहुंचकर आखिर बीजेपी के सारे एजेंडे खेल तमाशे में कैसे तब्दील हो जाते हैं? जिस बीजेपी को उत्तर भारत में मदारी की भूमिका में देखा जाता है, जिसके इशारे पर कई दिग्गज नेता कत्थक करने लगे हैं, आखिर वो दक्षिण में सर्कस का जोकर कैसे बन जाती है? क्या दक्षिण के हिंदुओं को हिंदू नहीं कहा जाएगा? उत्तर भारत में धर्म को लेकर ज्यादा ही कट्टरता नजर आती है, लेकिन उस कट्टर को भुनाने में बीजेपी बिल्कुल नाकाम नजर आती है। भाषा के आधार पर भी दक्षिण में मोदी जी की कोई अहमियत नहीं है। उत्तर भारत में बीजेपी हर चुनाव में इतिहास बदलने की ताकत रखती है, पर दक्षिण में बीजेपी अपना कोई भी खूंटा गाड़ने में कामयाब नहीं होती है। अगर थोड़ी बहुत कोई आसार नजर आते भी हैं, तो बीजेपी के सारे किए कराए पर पानी फिर जाता है। मतलब जिस हिंदुत्व को देखकर हिंदी भाषी हिंदुओं का दिल पिघल जाता है, उस बीजेपी के हिंदुत्व को दक्षिण वाले कुछ नहीं समझते। पीएम मोदी के आगमन पर उत्तर भारत में मोदी मोदी के नारे लगने लगते हैं, लेकिन दक्षिण में गो बैक के नारे की वजह से मोदी जी को वापस दिल्ली लौटना पड़ता है। बनारस में तो अक्सर पीएम मोदी मंदिरों के चक्कर लगाते हुए नजर आ जाते हैं, लेकिन दक्षिण से मोदी जी की तस्वीरें बहुत ही कम नजर आती हैं। अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने खुल्लम खुल्ला कह दिया है कि भाजपा एक सीट भी निकालने की ताकत नहीं रखती, और ये भी जरूरी नहीं है बीजेपी आने वाले चुनाव में दोबारा सत्ता में लौटेगी। इस बयान को सुनने के बाद सत्ता के गलियारों में सन्नाटा छा गया है। दक्षिण का सपना देखने वाले भाजपाइयों के चेहरे पर मूर्धनी छाई हुई है। आखिर कैसे दक्षिण में फेल हो रही है भाजपा? आखिर कैसे दक्षिण भारत के नेता ने मोदी को दिखाई लाल आंख? आखिर कैसे दक्षिण में हो जाता है बीजेपी का सूपड़ा साफ? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं हम खबर की तरफ। तमिलनाडु के सीएम और द्रविड़ मुनेंद्र कशगम यानी डीएमके के अध्यक्ष एम के स्टालिन ने बीजेपी पर बड़ा जुबानी हमला बोला है। सीएम स्टालिन ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर एक भी सीट नहीं निकाल सकती।
समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में जब उनसे गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रचंड जीत को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि एक राज्य में हुए चुनाव नतीजे के आधार पर आप न तो पूरे देश के मिजाज का अंदाज लगा सकते हैं और ना ही लगाना चाहिए। स्टालिन ने मोदी सरकार पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि वो राज्य सरकारों को मिले अधिकारों को छीनने की कोशिश कर रही है। स्टालिन ने कहा कि बीजेपी समवर्ती सूची के विषयों को अपना मान रही है। स्टालिन ने आरोप लगाया कि जिन राज्यों में गैर भाजपा सरकारें हैं वहां पर बीजेपी राज्यपालों के माध्यम से समानांतर सरकार चलाने की कोशिश कर रही है। स्टालिन ने कहा कि बीजेपी जनता की चुनी हुई सरकार को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। मोदी सरकार के जरिए नियुक्त राज्यपालों का व्यवहार और नजरिया हमारे संविधान का मजाक है। स्टालिन ने बकायदा कई राज्यों का हवाला देते हुए भाजपा के कारनामे गिनाए हैं। स्टालिन ने कहा कि सिर्फ द्रमुक ही नहीं बल्कि केरल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और दिल्ली में आम आदमी पार्टी समेत कई पार्टियां इस चलन के खिलाफ आवाज़ उठा रही हैं। स्टालिन ने कहा राज्यपालों का राजनीतिक खेल खेलना लोकतांत्रिक के खिलाफ है और संघीय स्वरूप के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए इसमें सुधार होना चाहिए। गुजरात चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत पर स्टालिन ने कहा कि एक राज्य के चुनावों के परिणामों के आधार पर पूरे देश का मूड तय नहीं किया जा सकता और ना ही करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य चुनावों और राष्ट्रीय चुनावों के लिए खेल के नियम अलग हैं। स्टालिन ने यह भी कहा कि देश में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बीजेपी के समर्थन में फर्क है, खासकर तमिलनाडु के बारे में। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी ने अतीत में और पिछले विधानसभा चुनाव में क्षेत्रीय सहयोगियों की मदद से विधानसभा सीट जीती है, मगर बीजेपी अपने दम पर एक भी सीट नहीं जीत सकती। स्टालिन का हालिया बयान बीजेपी की सियासत पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, मतलब जिस पार्टी ने ज़्यादातर राज्यों में अपने दमखम दिखाया हो उसे दक्षिण में सियासी हैसियत दिखाई जा रही है। लेकिन अगर स्टालिन के बयान पर गौर किया जाए तो कुछ दिनों पहले ही उन्होंने 2024 में भाजपा का मुकाबला करने के लिए एक राष्ट्रीय गठबंधन की हिमायत की। स्टालिन ने कहा था कि देश की संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के खातिर भाजपा का मुकाबला करने के लिए एक राष्ट्रीय गठबंधन बनाने की ज़रूरत है। स्टालिन ने ही तमिलनाडु के कन्याकुमारी में 7 सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत पर एक राष्ट्रीय ध्वज राहुल गांधी के हाथों में दिया था। स्टालिन ने यह भी कहा कि कांग्रेस को मजबूत करने के लिए सोनिया गांधी की कोशिशें रंग ला रही हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लोगों के बीच चर्चा का एक बड़ा विषय बन गई है। स्टालिन ने यह भी कहा कि राहुल से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल काफी बढ़ गया है, कांग्रेस सही राह पर है और मजबूत होकर बीजेपी का मुकाबला करने को तैयार है। स्टालिन ने अपने बयानों से साफ जाहिर कर दिया है कि वो कांग्रेस का पूरी तरह से समर्थन करते हैं और आने वाले चुनाव में बीजेपी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस से बहुत उम्मीद कर रहे हैं। बीते अगस्त में स्टालिन ने अपने एक बयान में बीजेपी और संघ पर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार के बीच एक रिश्ता है, ना कि डीएमके और बीजेपी के बीच। पार्टी की विचारधाराओं के बीच कोई संबंध नहीं है। मैं किसी भी हालत में डीएमके की विचारधारा से कभी समझौता नहीं करूँगा। सबसे गौर करने वाली बात यह है कि उनका ये बयान उस वक्त सामने आया था जब वो दिल्ली दौरे पर जा रहे थे। स्टालिन साफ तौर पर जाहिर कर चुके हैं कि वो बीजेपी और संघ परिवार के घोर विरोधी हैं और किसी भी हाल में झुकने वाले नहीं हैं, पर स्टालिन का यही जोश और तमाम विपक्षी दलों में बरकरार रहता है। तब तो स्टालिन के बयानों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए, वरना बीजेपी उनके बयानों को गलत साबित करने की ताकत भी रखती है। बहरहाल चलते चलते आखिर में सीमाब अकबराबादी ने भी क्या खूब फरमाया है, उम्र दराज मांग के लाए थी 4 दिन, उम्र दराज मांग के लाए थी 4 दिन, तो आरजू में कट गए दो इंतज़ार में। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को, हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।